इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर के सिवान ने 1 जनवरी को ये घोषणा की कि तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों के लिए दूसरा सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र बनाया जाएगा। यह पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोरन जिले में थूडुकुड़ी में बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल छोटे उपग्रहों के लॉन्च के लिए किया जाएगा। डॉक्टर सिवन ने कहा कि इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। असल में इसरो ये नया स्पेस पोर्ट अपने नए सीरीज रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए तैयार कर रहा है। अब ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि अगर हमारे पास आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में एक डेवलप्ड स्पेस पोर्ट है तो वहां से इन्हें क्यों नहीं लॉन्च किया जाता। हम इसी की बात इस वीडियो में करेंगे। ये रॉकेट्स सैटेलाइट्स को सनसिंक्रोनस ऑर्बिट में आसानी से प्लेस कर सके, इसीलिए ये नया स्पेस पोर्ट चुना गया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये सनसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है। ये असल में पोलर ऑर्बिट होता है जिसमें सैटेलाइट पोल टू पोल ट्रेवल करता है। बस विशेष बात यह है कि पोल टू पोल ट्रेवल करते समय ये धरती के उसी भूभाग से गुजरता है जहाँ दिन रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सामने वाले भाग में दिन है क्योंकि वो सूर्य के सामने है और पिछले भाग में रात है। अब जैसा आप देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट इस तरह से पोल टू पोल ऑर्बिट करता है कि वो हमेशा सूर्य की रोशनी में बना रहे। रात वाली साइड में ये सैटेलाइट नहीं जाता। इस सैटेलाइट के हर चक्कर में धरती अपने एक्सिस पर थोड़ा सा घूम जाती है। इस वजह से ये सैटेलाइट अपने दूसरे चक्कर में धरती के दूसरे भूभाग को कवर करता है। अगर हम अर्थ इमेजिनरी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं तो ये मोस्ट फेवरेबल ऑर्बिट है। अब समस्या ये है कि अगर हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं इस ऑर्बिट के लिए तो हमें श्रीलंका को क्रॉस करते हुए रॉकेट को डिप्लॉय करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए इसे थोड़ा सा इंक्लाइन ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जाता है और बाद में ऑर्बिट करेक्शन कर इसे सही पाथ पर कर लिया जाता है। अब इसरो ये चाहता है कि उसके SSLV रॉकेट जो कि हल्के रॉकेट्स होंगे उन्हें सीधा साउथ में शूट कर सके, जिससे ये आसानी से पोलर सनसिंक्रोनस ऑर्बिट को अचीव कर सके। तो उसे तमिलनाडु की इस लोकेशन से लॉन्च करना पड़ेगा, इससे श्रीलंका बीच में नहीं आएगा। यही वजह है कि इन रॉकेट्स के लिए नया स्पेस पोर्ट तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर सिवन ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि इस स्पेस पोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का काम 1 साल में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद जल्द से जल्द SSLV के पहले लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी जाएगी।